गाइस कैसे हो आप। आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस यूट्यूब का एक बिग अपडेट हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये जो फीचर है, इस फीचर के माध्यम से अभी आप एक नए क्रिएटर हो तो आप अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो। ये जो यूट्यूब का शॉर्ट्स फीचर है इसी के माध्यम से। तो गाइस कैसे, तो गाइस जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है उसी में हम लोग तो फोटो अपलोड करता हूँ। जैसे कि लाइक हो गया फेसबुक, तो फेसबुक में हम लोग जब भी कोई फोटो हो या कुछ भी अपलोड करता हूँ तो उसमें जितना लाइक बोलो या कॉमेंट आता है उससे ज्यादा आप स्टोरी में कुछ अपलोड करो तो उसमें आप लोगों को लाइक बोलो, कमेंट बोलो, व्यूज बोलो, इंक्रीज ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि गाइस स्टोरी जो होता है वो सबसे यूनिक होता है, उसमें ऑडियंस ज्यादा आता है। इस वजह से स्टोरी से हम लोगों को प्रमोशन होता है स्टोरी से ज्यादा। जैसे कि हो गया यूट्यूब में जो कम्युनिटी टैब मिलता है, यूट्यूब में जिन लोगों को कम्युनिटी टैब मिला हुआ है वो लोग कम्युनिटी टैब में ज्यादा पोस्ट क्यों करता है? क्योंकि गाइस उन लोग को देखो, वीडियो में जितना व्यूअर्स आएगा उससे ज्यादा कम्युनिटी टैब में आएगा। अब कम्युनिटी टैब में कोई बहुत ऐसे क्रिएटर को देखना, नोटिस करना, बहुत ऐसे क्रिएटर देखना, कोई भी वीडियो अपकमिंग आ रहा है या अपलोड कर चुका है उसका एक थंबनेल लेके कुछ टाइप करके कम्युनिटी टैब में डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि उसी के थ्रू ज्यादा और भी व्यूअर्स इंक्रीज होता है। वीडियो में जितना व्यूअर्स आएगा उससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है कम्युनिटी टैब में। तो इस कम्युनिटी टैब में जैसे कि सभी को मिलता नहीं है आसानी से, तो यूट्यूब शॉर्ट जो है इसी के माध्यम से आप अभी अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो। वीडियो में अगर व्यूअर्स नहीं आ रहा है तो व्यूज को इंक्रीज कर सकते हो, अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो। कैसे क्या है इसके लिए आप लोग को शॉर्ट्स में कुछ वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस शॉर्ट्स फीचर तो फाइनली लॉन्च हो गया है। लेकिन गाइस शॉर्ट्स फीचर जो है बहुत ऐसे स्मार्टफोन है जिसमें अभी तक आया नहीं है। जैसे कि मेरा 3 स्मार्टफोन है, तो एक स्मार्टफोन जैसे कि है डिवाइस जो है मूवीस्टार। अगर आप लोगों का ये डिवाइस है आप लोगों को पता है होगा, ये जो स्मार्टफोन है मूवीस्टार, इसमें मैं बहुत बार प्ले स्टोर में जाके जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसको अपडेट किया, तब भी यूट्यूब जो एप्लीकेशन अभी नया नया अपडेट हुआ है उसका जो फीचर है वो फीचर नहीं आ रहा है। जस्ट पहले का जो यूट्यूब था उसी का यूट्यूब वही फीचर दिया हुआ है, वही सेम यूट्यूब एप्लीकेशन है। मैं मूवीस्टार का स्क्रीनशॉट आप लोग के सामने दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो पहले का जो यूट्यूब है उसी तरह अपडेट है। लेकिन अपडेट क्या है, इसमें कोई नया फीचर आया नहीं है या शॉर्ट फीचर जो है वो भी आया नहीं है। गाइस अगर आप लोग का इस तरह कोई डिवाइस है उसमें भी अगर जो शॉर्ट्स फीचर नहीं आया या यूट्यूब एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद भी वही सेम पुराना जो फीचर था वही दिखा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सभी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा जो शॉर्ट्स फीचर है। अगर आप लोग का शॉर्ट्स फीचर आ गया है तो आप इसमें इजिली क्रिएट कर सकते हो अपना वीडियो को, शॉर्ट्स वीडियो बना के आप अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो। कैसे होगा? क्योंकि गाइस यूट्यूब में कम्युनिटी टैब जो होता है उसमें तो क्राउड एरिया है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम होगा, 1000 सब्सक्राइबर होगा तब जाके आपको कम्युनिटी टैब मिलेगा। तो कम्युनिटी टैब सभी को मिलता नहीं है। जो ये शॉर्ट्स फीचर है ये सभी को मिल, सभी के लिए, सभी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राउड एरिया या कम्युनिटी गाइडलाइन कुछ भी नहीं है। आप बेझिझक होके बिंदास होके शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपका व्यूअर्स जो है इंक्रीज हो सकता है कोई भी वीडियो का, या मानो आपका चैनल ग्रो होने का चांस जो है और भी ज्यादा हो सकता है अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो, क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये शॉर्ट वीडियो तो सभी देखना पसंद करता है, आप भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपका शॉर्ट फीचर आया है। तो गाइस मानो आपका शॉर्ट फीचर आ गया है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है? तो गाइस पहले जैसा मानो आप सभी को पता ही होगा यूट्यूब एप्लीकेशन जो है अपडेट तो हो गया, उसका डिजाइन जो है चेंज हो गया। जो पहले वीडियो अपलोड करने का एरो ऊपर में था अभी नीचे में प्लस एरो बन गया है जो टिकटॉक जैसा। तो उस प्लस एरो में अभी अगर आपका शॉर्ट फीचर आ गया है तो प्लस एरो में जैसे ही आप प्रेस करोगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, कम्युनिटी टैब मिला हुआ है, तो आपको 4 ऑप्शन शो करेगा, जैसे कि वीडियो, उसके बाद गो टू लाइव ऑप्शन शो करेगा, उसके बाद कम्युनिटी टैब अगर आपका है तो वो शो करेगा, उसके बाद में आपको क्रिएट शॉर्ट बेटा ऑप्शन शो करेगा। ये बहुत बार अगर आपका मानो कम्युनिटी टैब नहीं है तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन शो करेगा, जस्ट वीडियो, उसके बाद में आपका लाइव गो लाइव शो करेगा, उसके बाद में क्रिएट शॉर्ट बेटा शो करेगा। ये जो क्रिएट शॉर्ट बेटा है बहुत बार मतलब चेंजेस हो जाता है। कभी कभार आप प्लस एरो में जैसे ही आप प्रेस करोगी तो आपका सामने सिर्फ 2 ऑप्शन शो करता है, जैसे कि वीडियो, उसके बाद गो टू लाइव। तो वीडियो में आप जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद में आपको क्रिएट शॉर्ट ऑप्शन आता है, तो ये बहुत बार चेंज होते रहता है। तो आपको क्रिएट शॉर्ट वीडियो में जस्ट आपको प्रेस करना है, करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अपना, अगर आप आपने पहले से क्रिएट करके रखा है, एडिटिंग करके रखा है, तो आप चाहो तो अपना गैलरी से उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। नहीं तो आप इसमें कैमरे के थ्रू आप बना सकते हो, फ्रंट कैमरा चाहे बैक कैमरा से आप बना सकते हो। इसके लिए आप लोगों को इसमें आपको म्यूजिक लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, हर तरह के म्यूजिक मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्पीड मिल जाएगा, उसके बाद टाइमर इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके आप इसमें 15 सेकंड से 60 सेकंड तक वीडियो इजिली क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो क्रिएट करके आप अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो। कैसे होगा? अब तो मैं सारा कुछ आप लोग
लोगों को बता दिया, जो शॉर्ट्स है ये एक तरह सोच लो कम्युनिटी टैब है, स्टोरी है, तो इसमें तो ज्यादा व्यूअर्स आता है, ऑडियंस ज्यादा आता है, छोटा वीडियो होता है ये ऑडियंस ज्यादा पसंद करता है देखने के लिए। तो अभी इसे क्रिएट करना चालू कर दो, अगर आप भी नए एक यूट्यूबर हो तो अपना चैनल को इसी के थ्रू ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग मुझे अभी तक यार इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, मास्टली जाओ फॉलो कर लेना प्लीज यार, हाथ जोड़ के विनती है आप लोग चैनल को मास्टली सब्सक्राइब करो। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।